बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें। देखिए हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हम लोग को मिल गया चिमनी भट्टा। देखिए कैसे ईंट लोग पारते हैं, बड़ा ही मेहनत देख का काम होता है। ये है मेन झरना, अभी पहाड़ के ऊपर में है हम लोग। हाय फ्रेंड्स, तो आज आप लोग को स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो देखिए हम और मेरी वाइफ तैयार हो गए हैं और साथ ही साथ संतोषी। हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं संतोषी बताइए? जा रहे हैं मौसी के यहाँ मेला देखने के लिए। तो चलिए आप लोग ले चलते हैं आप लोग को बड़का गाँव। तो अभी हम लोग बड़का गाँव और बहुत जल्द यहाँ बड़का गाँव से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है चंदोल, वहाँ जाएंगे। जितने भी लोग बड़का गाँव से हैं पहचान लीजिए अपना शहर बड़का गाँव। किधर है संतोषी? हेलो संतोषी, नहीं खुलता दरवाज़ा, नहीं खोलने आ रहा है, इसको बता दीजिए कमेंट करके। उसको उसको नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो पहले उसको, बीच वाला को। हाँ नीचे करो। हाँ अब टपटी ना उसको, समझी? सर हमारी धर्मपत्नी बात कर रही हैं। किन से बात कर रही हैं? मौसी से। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए अपने मौसी के घर और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। डबिंग नहीं हुआ है तो कहीं शांत वातावरण में जाके डबिंग करेंगे। हम हैं, मेरी वाइफ है, संतोषी है, उधर मेरी छोटी बहन लक्ष्मी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। मेरा मौसी का बेटा राजा बोला चलिए झरना है पास में, वहाँ चलिए घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, हम हैं और इधर संतोषी, उधर मेरी वाइफ और इधर मेरा भाई आगे आगे जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये है प्राकृतिक फूल, पेड़ों पर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और इधर हमारा ग्रुप जा। दोस्तों किस किस ने बेल चराया है, गरु चराया है, कमेंट करो। देखिए कितना अच्छा फूल दिख रहा है देखने में। देखिए हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हम लोग को मिल गया चिमनी भट्टा। देखिए कैसे ईंट लोग पारते हैं, बड़ा ही मेहनत का काम होता है। तो ये था ईंट की भट्टी और ये है, इसको बोलते हैं चिमनी। ये है चिमनी भट्टा, देख लीजिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें। अभी हम लोग जाएंगे उधर झरने की ओर बीच जंगल में। तो चलिए मैं आप लोग को ले जाता हूँ अपने साथ। देखिए हम लोग इतना दूर चल के आए हैं, प्यास लग गया है तो वहाँ पर पानी पी रहा है मेरे पार्टनर सब पानी। आप देख लीजिए संतोषी बनी है जंगली क्यून, बहुत ज़्यादा शोभित लग रही है, शोभा दे रहा है, सूट कर रहा है, सूटेबल कर रहा है, इसमें रील्स भी बनाएगी। राजा भैया ने बना दी है, मेरा मौसी का बेटा बना दिया है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। दोस्तों हम लोग ऐसे जगह पे पहुंच गए, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है और ये कलरफुल फ्लावर्स प्राकृतिक फूल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम लोग इन्हीं सब के बीच रील्स बनाएंगे। पिछले साल आए थे हाँ अंजलि संतोषी, इस बार भी आए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा देखने में। तो चलिए बनाते हैं अभी रील्स। देखिए एक ये एक अलग तरह का फूल है, हम नहीं देखे कभी, आज देखे हैं और आप लोग को दिखाए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं झरने की ओर, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। अभी हम लोग देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, चारों ओर से जंगल ही जंगल है, कहीं भी रास्ता नहीं है। और अब हम लोग जंगलों के बीच में झरने के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए अब झरना में आ गए हैं, नहाए नहीं है फिर इतना दूर, नदी नदी अंदर की ओर जाना पड़ेगा पूरा। और देखिए कितना साफ पानी है, पानी के अंदर में जो बालू है वो भी दिख रहा है, इतना साफ पानी है। तो आप सबको मियाँ मियाँ। तो देखिए अभी हम लोग छोटे झरने के पास आए हैं, मेरी पत्नी भी आती साथ में बैठती तो कुछ और मज़ा लगता है, लेकिन मेरी पत्नी अगर बेगरे बेगरे देखती है, बेगरे हो गई है हमसे। देख ली आग लग दूर थी, कहे बेगरे बेगरे आग लग जी। देखिए तो
मतलब बेहतर जंगल में जाना है, जिस जंगल में, और पत्नी के साथ मंगल मनाना है और ऐसे ऐसे बात करना है, बात करना है, अरे बोरी हाँ कुछ बोरी बोरी बात करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे करने से टाइम पास होगा और चीज़ें यादगार रहेगा, और जिसे झरना है और झरना में पानी बहता है और पानी इतना कम बहता है कि बाढ़ नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना कठिन है, और इधर ही हमारी जंगल की क्यून है और ये बना रही है रील्स, और हम है कि बना रहे हैं ब्लॉग, और अभी इतना रास्ता तय करना भी और अंदर जाना है, तो चलिए हमारे साथ, बहुत अच्छा आ रहे हैं वीडियो में पूरा गोरा गोरा। देखिए ये वाला पेड़ पानी के कटाव के कारण पूरा मिट्टी नीचे से चला गया है, और देखिए जड़ सिर्फ बचा हुआ है, जड़ के सहारे ये पेड़ बचा हुआ है। अभी यहाँ खिंचाएंगे फोटो। देखिए संतोषी माता को मिल गया कटकटार और खा रही है बार बार। क्या कर रहे हैं नंदिनी जी? हाँ कटेर, कहा होता है कटेर? भूत का इलाका देखिए, ये बाप रे बाप, ये भूत का इलाका है पूरा, डर लग रहा है। और इधर भूत आवाज दे रही है, चुड़ैल आवाज दो बोलो देखिए कितना डरावना डरावना पेड़ है। और इधर से अभी हम लोग को और अंदर जाना है, और अंदर, मेरी वाइफ थक गई है ना। देखिए दोस्तों ये नदी है, नदी से बोतल बह के आया है और बोतल में पानी भरा हुआ है, नीचे में ठेपी लगा हुआ है, ये पानी कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये टोटका है, टोटका दारू है, उसमें दारू नहीं निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों फाइनली थोड़ा दूर पहुंच चुके हैं, थोड़ा और बचा हुआ, और वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा झरना है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए छोटे छोटी झरनाएँ हैं ये, छोटी छोटी झरनाएँ, छोटी छोटी झरनाएँ, छोटी छोटी मुहाने, छोटी छोटी गाने, छोटी छोटी पायलिया। तो दोस्तों उधर से चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं झरना के बीच, झरना के पास पहुँच गए हैं, झरना के पास, और अभी हम दिखाएंगे आप लोग को छोटा हुंडरू फॉल। देखिए पानी उस सिंचाई से यहाँ तक गिरती है, बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी गिरता, ज़्यादा अच्छा लगता देखने में, लेकिन अभी पानी कम हो गया है इसीलिए पतला झरना गिर रहा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, आप पूछते हैं अपनी पत्नी से कि कैसा लगा छोटा सा झरना, बोलो बहुत अच्छा। कैसा है हुंडरू फॉल जैसा है? थोड़ा 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 ना। और उधर मेरी बहन सब बैठी हुई है, और इधर है झरना, अब आप लोग को दिख रहा होगा ब्राइटनेस कम हुआ तो, और इधर हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए कैसे कर रहा है गाइस, तो हम लोग सब सभी लोग जंगली हैं, इन लोग चढ़ने नहीं सकी, अच्छा से वरना गिरेगी ना, तो फिर अब हमारा वीडियो करने की जरूरत ना हो, चाहे हम घोड़ा करें। देखिए इस पहाड़ को तोड़ करके वो झरना बना है, हम लोग नीचे थे, नीचे से ऊपर आए हैं, और पानी इस तरह से बहते बहते आता है ऊपर से। चलिए हम ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर का नज़ारा। देखिए संतोषी फ़ोटो खिंचा रही है, वहाँ मेरा भाई बोल रहा है भी आ रहा है, यहाँ पर नंदिनी फ़ोटो खींच दे रही है। और ये कैसा घास है, इंसान की ऊँचाइयों को भी पार कर चुका है ये घास की ऊँचाई, देखिए। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की प्रजाति और फूल हैं जो कि हम पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले हम नहीं देखे हैं इन लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये घास कौन सा घास है ऐसे हम नहीं जानते, बड़ी लंबा है ये घास। तो देखिए दोस्तों ये घास की ऊँचाई कितनी है, हमसे आधा गुना ऊँचा है, तो बहुत अच्छा है। और अभी उधर का देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, अभी देखिए अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। देखिए दोस्तों मुझे फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक़ है कि मैंने कपड़ा भी एक्सचेंज कर लिया है, और इधर हमारी पत्नी, और अभी जा रहे हैं मेन झरने के पास, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे मेन झरना कैमरामैन है, और देखिए मेन झरना के पास आ गए हैं, देख लीजिए ये है मेन झरना, अभी पहाड़ के ऊपर में है हम लोग,
काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए एक साथ दोनों के दोनों को। ये है मेन झरना, दूध लग रहा है जैसे कि दूध ऊपर से गिर रहा है नीचे, ऐसा लग रहा है। और हम लोग देखिए इतने जन आए हैं देखने के लिए, दो एक तीन चार और एक उधर, और ये है झरना। अब यहीं तक आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शाम को जाएंगे मेला देखने के लिए, जो कि यहाँ का लोकल मेला है, कैसा रहेगा वो दिखाएंगे। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। आइए कैमरामैन और नंदिनी जी, संतोषी सब आ जाओ। बाय बाय।